कैसे हैं आप लोग बच्चों। आजकल हमारा कक्षा 11 के छात्रों के लिए चल रहा है वेक्टर एनालिसिस, जिसमें कल मैंने आपको बताया था दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए हमारे पास दो विधियां मैंने आपको बताई। पहली विधि हमारी थी त्रिभुज विधि और दूसरा था समांतर चतुर्भुज विधि। तो त्रिभुज विधि में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर होते हैं, माना हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं, उनको किस तरीके से जोड़ा है, माना ये ए है और ये बी है। तो इनको जोड़ने का जो तरीका मैंने आपको बच्चों बताया था, सबसे पहले हम वेक्टर ए को खींचते हैं, ठीक है, ये इसका पुच्छ हो गया, ये बाणाग्रह हो गया और इसको जो है हम इसको क्षैतिज मानते हुए, अभी जो ये बी है उसकी दिशा इस तरीके से हमने ली, ठीक है, तो ये बी हो गया। तो ये क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा, मतलब बी का जो पुच्छ है वो ए के शीर्ष से हम जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से यदि हम इसको मिलाते हैं, जो है ए का पुच्छ और बी का शीर्ष मिलाते हैं, वो हो गया आर। तो ये हो गया बच्चों ए प्लस बी, ये हमारा बताया था मैंने। दूसरा मैंने बताया था कि इसको दूसरे तरीके से भी हम जोड़ सकते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि दूसरे तरीके से जोड़ने का जो तरीका है हमारे पास, इसको हमने खींचा, ठीक है, और ये हमने खींचा तो ये इस तरीके से इसकी दिशा इधर को थी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, ए के पुछ, ये ए और ये बी है। यदि हमने इसको जोड़ेंगे, ठीक है, सॉरी ये बी हो गया, ठीक, और यदि हमने बी के पुछ को और ए के शीर्ष को मिला दिया तो ये हमारा जो है ये बन गया ए प्लस बी, ये हो गया आर डैश बी प्लस ए, सॉरी बी प्लस ए, आर बराबर हो जाएगा, बी में हमने क्या जोड़ लिया, आर डैश बराबर हो जाएगा बी प्लस ए। तो बच्चों हमने ये बताने के बाद हमने बताया था कि जो ये जो वेक्टरों का जो त्रिभुजन विधि है, ये त्रिभुज विधि मैंने आपको बताई थी, त्रिभुज विधि क्या है, ये क्रम विनिमेयता के नियम का पालन करता है। क्रम विनिमेयता में कम्यूटेटिव जो लॉ होता है, ए कम्यूटेटिव लॉ होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, इस नियम को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया था, दूसरा मैंने आपको जो विधि बताई थी वो समांतर चतुर्भुज विधि में मैंने कहा था कि किन्हीं दो वेक्टर, जो दिए गए वेक्टर हैं, इन्हीं दो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, दो जो वेक्टर दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज ये होता है, इसकी जो ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसको हम ओ बिंदु हो गया जहां पे ये जुट रहे हैं, ए का पुच्छ और बी का पुच्छ, ठीक है। तो ये जो है ये किसी समांतर चतुर्भुज के क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। तो हम इसके द्वारा जो है क्या खींच सकते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे, जिसके जो है आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ओ पी क्यू और आर हमारा ये हो गया था। तो हमने जो है बच्चों इसका जो परिणामी निकाला था, इसको हम जो समांतर चतुर्भुज के द्वारा दो वेक्टरों को जोड़ना था, तो इसका जो परिणामी निकाला था हमने, इस बिंदु ओ से हम जो है इस क्यू को मिलाते हैं, तो यहां पर जो परिणामी हुआ, ये परिणामी जो है ये क्या कहलाता है, आर बराबर ए प्लस बी। तो इस परिणामी को ज्ञात करने के लिए आर का परिमाणी, आर का जो परिमाण है, आज का जो आर का जो परिमाण है, उस परिमाण को ज्ञात करने के लिए हमने क्या खींचा था, इस ओपी को आगे खींच दिया था और इस पर क्या खींच दिया, एक लंब खींच दिया, ठीक है, ये ई बोल दिया हमने, इसको ई नाम दे दिया, ये थीटा एंगल बना रहा और ये टोटल दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाए हैं, जो ए के साथ जो आर झुका हुआ है वो अल्फा दिशा में क्या हुआ, झुका हुआ है। तो इस तरीके से यहां पर जब यदि हम इसको इस ओपी को आगे बढ़ाते हैं, ओई कर देते हैं और क्यू से हम एक लंब डाल देते हैं, क्यू से हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, तो ये किस कौन सा एंगल बना रहा, थीटा। तो यहां पे जो आर निकाला था बच्चों हमने, आर बराबर निकाला था हमने, जो आर का जो परिमाण निकाला था गणितीय कैलकुलेशन के आधार पे, जो आर निकाला था
ए स्क्वायर, चूंकि ये ए था ये बी था, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की ये बी है तो ए भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये ए है तो ए भी क्या हो जाएगा, ए। तो गणितीय मेथड के द्वारा हमने जो आर परिमाण, आर का जो परिमाण निकाला था वो निकाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, ये निकाला था। और आर की ए के साथ जो दिशा निकाली थी वो निकाली थी टेन अल्फा बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमने बच्चों दिशा निकाली थी किसकी, आर की ए के साथ जो दिशा है, आर की ए के साथ जो दिशा है वो हमने निकाली थी टेन अल्फा में। अब बच्चों इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है पांच न्यूट्रन तथा तीन न्यूट्रन के दो बल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से हम निकालते हैं पांच न्यूट्रन का और पांच न्यूट्रन तथा तीन न्यूट्रन के दो बल परस्पर 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत हैं, तो गणना द्वारा इनके परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस तरीके से हम देख सकते हैं एक ही जगह पे हमें दे रखा है, जो ए है ए दे रखा है कितना 5 न्यूट्रन, बी दे रखा है हमारे पास बी बराबर कितना बोल सकते हैं 3 न्यूट्रन, और कितना डिग्री का कोण थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री का कोण। तो हमें जो है परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण जो बल है, परिमाणी जो बल है आर है, उस आर का मान ज्ञात करना है। तो दूसरा इसमें क्या निकालना है, दिशा ज्ञात करनी है, हमने क्या ज्ञात करनी है, इसका जो आर का जो परिमाणी जो बल है, परिणामी जो बल है, परिमाण जो है आर का परिणामी जो बल है आर है, उस आर को निकालना है, ठीक है, और उसकी दिशा भी निकालनी है इसके साथ वेक्टर ए के साथ या ओपी के साथ, मतलब पांच न्यूटन के साथ। तो बच्चों हम देखिए इस सूत्र में हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास ए दे रखा है, बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो हम आर निकाल सकते हैं बच्चों इस सूत्र से। आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए की वैल्यू हमारे पास पांच है, पांच का वर्ग प्लस तीन, बी दे रखा है तीन प्लस टू गुणा दिया ए दे रखा है पांच और बी दे रखा है तीन इंटू कॉस 60 की, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहां पे हमारे पास दिया है, दिया क्या क्या है, दिया है ए बराबर आपका 5 न्यूट्रन, बी बराबर 3 न्यूट्रन और थीटा बराबर 60 डिग्री, ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। तो हमने जो है आर निकालना है, परिमाणी जो बल है, परिणाम आर का जो परिणामी बल है वो निकालना है। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू पांच का वर्ग आप जानते हैं 25 होता है, तीन का वर्ग आप जानते हैं 9 होता है, ठीक है, प्लस 5 × 15 = 30 हो गया, ठीक है, इंटू कॉस 60 की वैल्यू, आप चूंकि आप जानते हैं कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा तो ये 15 हो गया। तो देखिए बच्चों ये 25 × 34 प्लस ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 49 अंडर रूट 49 जिसको हम कहेंगे 7, ठीक है बच्चों। तो आर का जो परिणामी जो बल है, जो परिणामी बल है, आर का जो परिमाण है वो निकाल दिया हमने, आर इज इक्वल टू 7 न्यूट्रन, आर कितना निकाल दिया 7 न्यूट्रन निकाल दिया, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या निकालनी है, हमने दिशा निकालनी है, हमने क्या निकालनी है दिशा, हमने जो है परिमाणी जो आर का जो परिमाण है वो हमने निकाल दिया है 7 न्यूट्रन, ठीक है बच्चों, बल का मात्रक न्यूट्रन होता है एमकेएस पद्धति में। अब हमने दिशा निकालनी है, तो दिशा के लिए सूत्र है टेन अल्फा बराबर, हमने निकाल टेन अल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा बराबर हो जाएगा, बी की वैल्यू है हमारे पास 3 sin 60 degree, 3 न्यूट्रन जो है बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 5 न्यूट्रन प्लस बी की वैल्यू है 3 न्यूट्रन इंटू कॉस 60 डिग्री। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 × sin 60 का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा साइन 60 का मान हमारे पास हो जाएगा √3/2 अपॉन 5 + 3 इंटू कॉस 60 का मान हो गया 1/2। तो बच्चों
हम इसको कैलकुलेट, ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 2 अपॉन, ये हो जाएगा 5+3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 × 10, 5 × 10 = 13, तो ये हो जाएगा √3 by 2 इंटू, ये 2 कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर, और ये हो जाएगा 5 × 10 = 13, ये हो जाएगा 13, कहां जाएगा नीचे, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों इस तरीके से ये कैलकुलेशन यदि हमारी आएगी, तो ये कैलकुलेशन निकाल करके टेन अल्फा की जो वैल्यू आती है, वो जो टेन अल्फा की वैल्यू आती है, इसको हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर देंगे, और √3 की वैल्यू रखने के बाद, ठीक है, और √3 की वैल्यू रखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी, टेन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, जो कैलकुलेशन आती है बच्चों इसकी, ये आ जाएगी आपकी 0.369, जो लगभग क्या आ जाएगी 693, इसलिए अल्फा बराबर टेन इनवर्स 0.369, और जो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है 21 डिग्री, यदि आप इसको लॉग उसमें देखेंगे तो ये 21 डिग्री हमारी क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, अल्फा की दिशा जो है किस दिशा में, कितने दिशा में ये झुका हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा भी हमारे पास जो है, हमने जो है दूसरा जो मेथड पढ़ा था बच्चों, दूसरा हमने पढ़ा कि ये तो था दो बैटरों को जोड़ने की विधि। अब हमारे पास है, यदि हमारे पास बैटर क्या हो, दो या दो से अधिक हो, यदि हमारे पास बैटर क्या हो, दो या दो से अधिक हो, तो यदि हमारे पास बैटर दो या दो से अधिक हो तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे, तब हम जो है त्रिभुजन मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, समांतर चतुर्भुज का मेथड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे बहुभुज विधि होता है बच्चों। बहुभुज विधि मतलब, माना हमारे पास कोई बिंदु O है, आप यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये बिंदु O है, बिंदु O से हमारे पास जो है, हमारे पास जो बिंदु O है, बिंदु O के साथ हमारे पास जो है ये दिया गया है, माना सपोज A, ये दे रखा है B वेक्टर, ये दे रखा है C, और ये दे रखा है D, इस तरीके से बच्चों ये दिया हुआ है, हमारे पास चार वेक्टर दिए गए हैं A, B, C और D, चार वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं। अब हमने इनको किस तरीके से जोड़ना है, तो जोड़ने का जो है सबसे, जो हमारा जो सबसे अच्छा तरीका है, उस जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या जोड़ते हैं, बहुभुज। यदि हमारे पास जो है ए वेक्टर दो, ए बी सी डी, चार वेक्टर दिए गए हैं, बहुभुज दो या दो से अधिक वेक्टर दिए गए, तो किस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर की दिशा हमारी नीचे को है, दूसरा वेक्टर जो है ये ए वेक्टर हो गया, अब बी वेक्टर जोड़ना है, तो बी का जो, ए का जो शीर्ष है वो बी के पुच्छ पे हम लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा बी वेक्टर हो गया, समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है सी वेक्टर हमने जोड़ना है, तो ए बी का जो परिमाण हो जाएगा, ये देखिए आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसकी दिशा देखेंगे आप, तो ये जो दिशा हो जाएगी, ये दिशा आप इस तरीके से, इसकी दिशा आपने जो सी का जो पुच्छ है वो बी के शीर्ष पर आपने इस तरीके से लगाया, ठीक है, तो ये हमारा सी हो गया। और उसके बाद हमारे पास होता है क्या, ये सी हो गया, तो यदि हमने दो वेक्टरों को, इस वेक्टर को जोड़ा, तो ये देखेंगे आप, अब हमने क्या जोड़ना है, डी, यदि हमने जो है डी की दिशा हमारी इस तरीके से है, ठीक है बच्चों, डी की दिशा हमारी क्या है, इस तरीके से होगी, तो ये हो जाएगा हमारा, डी की दिशा हमारी इस तरीके से होगी बच्चों, तो इसको यदि हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ये डी हो जाएगा, ठीक है, डी का पुच्छ सी के शीर्ष पर, तो हमने इस तरीके से जोड़ा, और ये इसका जो है परिमाण हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है डी का जो शीर्ष है उसको किससे जोड़ देंगे, आर से, तो ये परिमाण हो जाएगा आर, आर क्या हो जाएगा, परिमाण, ठीक है, ये आर हो जाएगा,
इसके शीर्ष पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये दो वेक्टर जुड़ गए हमारे डी और जो डी और आर, इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये एक विधि है, तो इसलिए हमारा जो है हम कह सकते हैं डायग्राम के आर बराबर हो जाएगा आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस तरीके से जो है हमने बहुभुजों को जोड़ा, हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले ए लिया, ए बी को जोड़ा, ठीक है, सी और डी को जोड़ा, सी और डी को जोड़ने पर हमने जो है देखा इस तरीके से सी और डी को जोड़ दिया हमने। ठीक है, सी और डी को जोड़ा, तो सी और डी को जोड़ करके हमने जो है ए का पुच्छ और सी का शीर्ष हमने जोड़ दिया, तो ये जुड़ गए सी और डी। ठीक है, ये जुड़े, उसके बाद हमने आर क्या खींच दिया, इसका जो है परिमाण खींच दिया, तो इस तरीके से हम इसको बहुभुजों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास दे रखा है ए, ठीक है, दूसरा जो विधि है ए जोड़ा है ए वेक्टर, दूसरा जो है वेक्टर हमारे पास है सी वेक्टर, दूसरा क्या वेक्टर है सी वेक्टर है, हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे बच्चों, सी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, पहले ए वेक्टर जोड़ा, दूसरा सी जोड़ा, और सी के बाद हमने क्या जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, सी के बाद हमने क्या जोड़ दिया, डी की दिशा आप देख रहे हैं, ये डी जुड़ गया हमारा, डी वेक्टर जुड़ा, और डी के बाद हमारे पास जो है ये क्या है, बी देखेंगे आप, बी हमारे पास इस प्रकार से है, तो बी का जो है डी का शीर्ष, बी का पुच्छ और ये बी का शीर्ष हो गया। ठीक है, ये मिल गया, तो अब हमारा जो परिमाण होगा आर होगा इस तरीके से होगा, ये आर हो गया, आर का जो पुच्छ है उसी से ये हमारा आर, ये दूसरा विधि है, दूसरे तरीके से ये जुड़ गया, इसके ये परिमाण हो गया आपका आर। तो आर क्या होगा, आर किसके बराबर होगा, आर बराबर ए धन सी धन, ये हमारा बी है, तो हमने क्या जोड़ा ए सी डी धन बी, तो हमने देखिए अलग अलग तरीके से इसको जोड़ दिया, तो बोलने का मतलब है इसको हमने कहा आर डैश, इसको क्या नाम दिया, आर डैश नाम दिया। तो हम देखेंगे बच्चों कि ये किसके नियम का पालन कर रहा है, सहचर्य के नियम का पालन कर रहा है, इस तरीके से आर डैश बराबर आर बराबर आर डैश के, मतलब इनका जोड़ है, वेक्टरों को किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे लेकिन उनका जो योग आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से हमने वेक्टरों को जोड़ा था पहले कंडीशन में, पहला जो स्थिति मैंने आपको बताया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके आ गया, आर डैश के, आर डैश हमारा था, सबसे पहले हमने ए जोड़ा, फिर सी जोड़ा, फिर डी जोड़ा, प्लस बी जोड़ा, दोनों का जो योग है वो बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये बहुभुज के द्वारा हम जोड़ रहे हैं ये क्या है, सहचर्य के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बच्चों हम जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा वेक्टरों को घटाना, इसके अलावा मैं आपको आज बता रहा हूं वेक्टरों का घटाना, वेक्टरों को घटाने के लिए हमारे पास जो नियम है बच्चों, दूसरा हम पढ़ रहे हैं वेक्टरों को घटाना, इसमें जो है ये हो गया सब ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में घटाना, वो क्या कहलाएगा, वेक्टरों का सबट्रैक्शन, अर्थात ए माइनस बी, माना हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए के है और माइनस बी, एक को दूसरे से घटाना, ठीक है, एक को दूसरे से घटाना वो क्या कहलाएगा आपका, सबट्रैक्शन वेक्टर। तो देखिए पहली कंडीशन में हमारे पास दो वेक्टर दिए गए ए, आप समझने का प्रयास करेंगे, और दूसरा वेक्टर हमारे पास दे रखा है बी, ये ए वाली कंडीशन है, अब इसको ए माइनस बी घटाना है, अर्थात ए में जो दूसरा वेक्टर है उसके विपरीत को क्या करना है, घटाना है। देखिए ए तो हमारा ऐसी रहेगा, ठीक है, ए वेक्टर हमने खींच लिया, ये हमारा जो है एज इट इज था, जैसी दिशा उसकी थी, अब इसका जो है घटाना, मतलब इसका जो
वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी को माइनस करना है, ये तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा इस तरीके से, इसका माइनस ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, इसकी दिशा क्या होगी परिवर्तित होगी, ये बी वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो हमने अब ए माइनस बी करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस माइनस बी, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी को। तो ये तीसरी कंडीशन हमारे पास आएगी कि ए खींचा बच्चों हमने, वेक्टर ए हो गया, और इसका जो पुच्छ हो गया बच्चे देखिए ये माइनस है, तो हम इसको इस तरीके से बी का जो ए का जो शीर्ष है बी का पुच्छ वहां पे कनेक्ट हुआ, और ये जो है ये माइनस जो है बी वेक्टर हो गया, तो इसका जो परिमाण होगा वो हम इस तरीके से खींच सकते हैं बच्चों, इसका जो परिमाण होगा ए से बी तक, तो ये हो जाएगा ए से बी, ए से बी, ठीक है। ए से बी मतलब ए माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस जो हो जाएगा बी हो जाएगा, तो हम इसको जो है ये हमारा हो गया आर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, आप समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम जो है वेक्टरों को घटा सकते हैं, ये हमारे पास दो वेक्टर दिए गए, तो पहले वेक्टर हमने खींचा, दूसरा हमारे पास ये दिया गया, तो ये इस पहले वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर का जो विपरीत है उसको घटाना है, ये धनात्मक दिशा है तो उसको हमने उसकी दिशा विपरीत कर दी, ठीक है। फिर हमने जो है उसको घटा दिया, तो इस तरीके से हमने उसको जो है लिख लिया, ठीक है। एक दूसरी विधि में आपको पुनः बताता हूं, रिपीट दूसरी विधि हमारे पास है घटाने की, दूसरी विधि घटाने की, दूसरी विधि हम इस तरीके से घटा सकते हैं बच्चों, घटाने की विधि है हमारे पास, माना हमारे पास एक वेक्टर दिया गया ए, ठीक है, ए वेक्टर ए दिया है, और दूसरा वेक्टर जो है हम क्या करते हैं इनका जहां पर दोनों बिंदु मिल रहे हैं, मतलब जैसे एंगल बनता है, कोण मींस व्हेन द टू लाइंस आर मीटिंग ईच वन इनिशियल पॉइंट, तो जब जो है दो रेखाएं एक बिंदु पर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी हो गया सपोज, इसको हमने बी बोल दिया, ए दिया है ये बी दिया है, ठीक है, ये कहां पे मिल रहे हैं ऊपर मिले, जब हमने दोनों वेक्टरों का ए का जो पुच्छ है बी का पुच्छ है दोनों जो है उभयनिष्ठ बिंदु पर मिले, तो यहां पर जो है हम यदि परिमाण खींचेंगे तो बी से ए तक, ये देखिए बी से ए को घटा रहे हैं, बी से क्या कर रहे हैं हम ए को घटा रहे हैं, तो ये आर डैश हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है, ये आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बी माइनस ए हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं बच्चों आर बराबर क्या हो गया बी माइनस, मतलब ये जो है जो आर का शीर्ष है वो ए के शीर्ष पर मिलेगा और कुछ बी पर मिलेगा, तो ये जो है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं आर बराबर क्या निकला था हमारा ए माइनस बी, और आर डैश बराबर क्या निकला बी माइनस ए, तो हम कह सकते हैं आर बराबर आर डैश के, आर बराबर माइनस आर डैश के,